अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरोफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिसने बुद्ध मत की बुनियाद रखी 356 कबल मसीह में, और इस गौतम बुद्ध का जो फ़लसफ़ा था वो था निर्वाण, यानी अपनी ख्वाहिशात को कम कर देना। गौतम बुद्ध हमेशा कहा करता था कि ख्वाहिश दुख देती है, लिहाजा अगर तुम अपनी ज़िंदगी को निर्वाण यानी पुरसकून करना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिशात को कम से कम कर दो। दोस्तों, उसी का ये फ़लसफ़ा था कि जो लोग वक़्त और पानी के साथ आगे आगे चलते चले जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात को कम रखते हैं, वही ज़िंदगी की असल हकीकत को पहचानते भी हैं और उस ज़िंदगी को जीते भी हैं। दोस्तों, वक़्त का पहिया हर वक़्त घूम रहा है और बेहतर शख्स वही है कि जो अपने इस वक़्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा कम कर ले, अपनी ज़रूरियात को थोड़ा महदूद कर ले, अपने अखराजात को थोड़ा अपने हाथ में ले आए, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को आसानी से निपटा सकता है। दोस्तों, एक मरतबा कुछ होता ऐसे है कि एक फ़कीर एक बादशाह की चौखट पर जाकर बैठ जाता है और अपना कशकोल उस बादशाह के सामने रख देता है। वो बादशाह बड़ी हैरानी से उस फ़कीर से पूछता है कि क्या चाहते हो। आखिर बादशाह था और फ़कीर भी बादशाह की दहलीज़ पर था, तो उसने कोई छोटी चीज़ तो मांगी ना। उसने अपना कशकोल आगे करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, आप मेरे इस कशकोल को सिर्फ भर दीजिए तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। बादशाह मुस्कराया। उसने कुछ यूँ किया कि अपने जेब से कुछ हीरे जवाहरात और कुछ पैसे निकाले और उस कशकोल के अंदर डाल दिए, लेकिन ये क्या कि वो कशकोल अभी भी भरा नहीं। उसने ऐसा किया कि उसने एक थाल हीरे और जवाहरात का अपने वज़ीर को कहकर मंगवाया और वो पूरा का पूरा थाल जो है वो उस कशकोल के अंदर डाल दिया, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी वैसे का वैसा ही थोड़ा सा अभी तक भरा हुआ था। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया और ख़जाने के मुँह खोल दिए गए। करते करते बात यहाँ तक आ पहुँची कि पूरे का पूरा पूरी सल्तनत का ख़जाना ख़त्म हो गया। बादशाह के पास महफूज जो भी उसकी दौलत थी वो सारी उस फ़कीर के कशकोल में चली गई। बादशाह बहुत पशमांद हुआ, बहुत हैरान भी हुआ और थोड़ा परेशान भी हुआ और शर्म भी महसूस की कि एक बादशाह होने के नाते मैं एक फ़कीर के कशकोल को भी नहीं भर पा रहा। आखिर उसके बाद वज़रा की, उसके बाद उमरा की और उसके बाद उस हर अमीर तबके के शख्स की बारी आई कि जिसके पास भी बेतहाशा दौलत थी, और वो उस बादशाह के हुक्म पर उस फ़कीर के कशकोल में सभी के सभी लोग डालते चले गए, लेकिन कशकोल था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह ने आखिर में सर झुकाकर अपनी हार को तस्लीम करते हुए और उस फ़कीर को शिकस्त के सामने उसकी यानी कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए उसकी उससे पूछ लिया कि हजूर, ये मुझे बताइए कि ये कशकोल किस चीज़ का बना हुआ है। वो फ़कीर उठा, उसने उस तमाम कशकोल को उल्टा सारी दौलत बादशाह के सामने फेंकी और चुप करके दरवाज़े से निकलने लगा, लेकिन बादशाह उसके पीछे भागा और उससे इल्तिजा की कि हजूर, मुझे बताते जाइए कि ये कशकोल आखिर क्या बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है कि जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। वह फ़कीर रुका, उसने पीछे देखा और बादशाह की तरफ मुस्कुराकर बोला कि हजूरे वाला, बादशाह सलामत, यह कशकोल ख्वाहिशात का बना हुआ कशकोल है और ये कभी भी नहीं भर सकता। इसे भरेगी तो सिर्फ एक चीज़, और वो है कब्र की मट्टी। दोस्तों, बिल्कुल सही, यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। हमारी जब कुछ ख्वाहिशात पूरी होने लगती हैं तो मज़ीद ख्वाहिशात उनकी जगह ले लेती हैं, जो उनसे बड़ी, उनसे वज़न में भी ज़्यादा, उनसे हैयत में भी ज़्यादा और अपना एक मुकम्मल साइज़ बनिस्बत पहले की ज़्यादा रखती हैं। और यही वजह है कि इंसान की ख्वाहिशात बजाय कम होने के या बजाय पूरी होने के वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं, और जैसे जैसे वो ख्वाहिशात अपने तकमील के मरहले की तरफ जाती हैं और मरहले की तरफ जाते हुए जब वो पूरी होती दिखाई नहीं देती तो इंसान अपने आप को दुखों, अदावतों, गमों और परेशानियों का शिकार बना लेता है,
और यही वजह है कि ना उसको रात को चैन आता है ना उसको दिन को सुकून मिलता है। वो हर वक्त अपनी ख्वाहिशात की दौड़ में दौड़ता हुआ एक दिन कब्र की नीचे जा लगता है और उसको पता यही चलता है कि मेरी तमाम ख्वाहिशात आखिर इस कब्र की मट्टी ने भर दी। दोस्तों, अच्छा इंसान वही होता है कि जो अपनी मंजिल को पहचान जाए। दोस्तों, हमारी असल मंजिल जन्नत है। हमारा असल मकसद हसूल जो है वो अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तलबगारी है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर अमल करना और अल्लाह ताला के भेजे हुए कलाम को समझना, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उस पर गौर व फिक्र करना और सबसे अहम कि उस पर कुछ अमल भी करना। एक मुसलमान होने के नाते हमें यह जेब नहीं देता कि हम इस फ़ानी दुनिया में अपना एक मुस्तकिल टिकाना तलाश करते रहें। दोस्तों, असल मुसाफिर वही होता है कि जो ये हकीकत जान लेता है कि उसका कहीं भी स्टे जस्ट आर्जी तौर पर होता है और उसकी असल मंजिल, उसका असल मकसद उसकी अपनी मंजिल का हसूल ही होता है। दोस्तों, वो लोग भटक जाते हैं जो रास्ते में अपनी ख्वाहिशात के ज़ेरे असर तमाम बुराइयों को पीछे छोड़ देते हैं और तमाम हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर किसी भी चीज़ को अपना जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि हम इस चीज़ को पहचान पाएँ कि क्या हमारे लिए गलत है या क्या हमारे लिए सही है, वरना ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। दोस्तों, वक्त है मेरे पास भी, आपके पास भी। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमारी ख्वाहिशात को कम से कम करके हमें शुक्र जैसी नेमत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं या जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप यकीन जानिए कि हज़ारों लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को भी तरस रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दूसरे वक़्त का खाना नहीं होता, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दूसरा सूट पहनने के लिए नहीं होता, ऐसे लोग भी हैं जिनको सोने के लिए छत मुयसर नहीं होती, ऐसे लोग भी हैं जो खुले आसमान को अपना बिस्तर बनाकर और ज़मीन को, ठंडी ज़मीन को अपना बिस्तर बनाकर, बेड बनाकर सो जाते हैं और फिर भी लगता कुछ यूं ही है कि उनकी नींद हमारी नींद से बेहतर होती है क्योंकि वो पुरसकून सोते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात कम होती हैं और हमारी ख्वाहिशात भी ज़्यादा होती हैं, हम हासिल भी नहीं कर पाते और हम दुखी भी रहते हैं। अल्लाह आपका मेरा हमी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।